म्यूजिक में कर सकते हो। ये वजह है, जैसे ये जो इंस्टीट्यूट है वहां पर लगाया ना पोस्टर, सर जहाँ से अभी भाई कहाँ से आ गए हो, जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्पीक मैके जिसका नाम है, तो स्पीक मैके एंड प्रताप विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसका इंटेंशन ये है कि म्यूजिक का प्रमोशन होना चाहिए, आप लोगों को म्यूजिक में दिलचस्पी रहनी चाहिए, राइट? यू लाइक म्यूजिक, म्यूजिक हाउ मेनी ऑफ यू लाइक म्यूजिक? बहुत सारे सरोद वादक हमारे यहाँ से तैयार होने वाले ऐसा दिखता है मुझे, राइट? ओके राइट, सो यू आर इवन टू नाउ दिस इज टू दिस रिसाइटल द, सो आई विल नॉट टेक, आई विल नॉट बी इन बिटवीन अभी भाई एंड यू ऑल, ओके? सो ऑल द बेस्ट, आई थिंक यू विल एंजॉय द रिसाइटल, हाउ यू प्ले and how many are there who play this instrument other than our Abhid bhai? You know any other sarod vadak? Aur kaun bajata hai ye sarod? Aapko pata hai na, ye dekha hai apne instrument, to phir aur kaun bajate hai pata hai aapko? Search karna hai bole, aur mujhe bhi kal batana, abhi hum sunenge sir. थैंक यू मैडम, थैंक यू प्रिंसिपल सर और बाकी यहाँ के उपस्थित सभी शिक्षक और टीचर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बच्चे देखो, ये जो मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, क्या नाम है? क्या वीणा? ये बिना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से सुना नहीं। देखो ऑलरेडी हम ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है सरोद, एस ए आर ओ टी, कोई कोई बाद में टी के बाद ई भी लगाते हैं, ठीक है? देखो तुम लोगों ने देखा होगा कहीं पर, ऐसा शक्ल देखा होगा? नहीं नहीं ना, तुम लोगों ने शायद गिटार देखा होगा, है ना? ये फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ का इंस्ट्रूमेंट का ये हिस्ट्री है थोड़ा इस इंस्ट्रूमेंट का। अफगानिस्तान का रबाब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वहां से इसको मॉडिफाई कर करके ये सरोद को बनाया गया है। इसका साउंड कुछ ऐसा है, देखो सुन के कैसा लगता है। कोई गाना को एक माइक्रोफोन दो के पढ़ ले सकते।
बेटा बोल दीजिए। हाँ हाँ नहीं नहीं मैंने से बात। अच्छा आपको गाना गाना अच्छा लगता है? यस। ओके आप सीखते हो कहीं से? नहीं। अच्छा जी तो आपको ये गाना गाने का शौक कैसे हुआ? म्यूजिक से मुझे ऐसा रिफ्रेशिंग लगता है। रिफ्रेशिंग लगता है देखा सुना रिफ्रेशिंग होता है म्यूजिक। एक जो एक ही तरह से काम करते करते इंसान जब बोर होने लग जाता है तो रिफ्रेशमेंट का भी काम करता है ये म्यूजिक। सही कहा मैंने। अब प्लीज थोड़ा तुम्हारे भाई बहन की तरह जितने भी हैं और सभी जो टीचर्स हैं उनके लिए थोड़ा कुछ सुना कोई सभी जो लोग से ठीक लगता है एनीथिंग कोई सा भी बस गाना ये दादा रे वाले जी ना दरे वाले जी
कोई भी गाना हो उसमें सुर लगते हैं, है ना? तो कितना स्वर होते हैं जानते हो आपको? बताओ। सात। कौन कौन सा? कितना है? सा रे गा मा पा है। अगर मैं इसको यहां पर सरोद पे बजाऊं तो समझ सकते हो ये क्या बजा है? वेरी गुड। अब गा सकते हो मेरे साथ? सा रे गा मा पा था नी सा। चलो। सा रे गा मा पा नी सा। वेरी गुड। अब देखो ये रहा सात स्वर। और कुछ कुछ स्वर होते हैं जो कोमल या फिर तीव्र होता है, जैसे रे। वेरी गुड, ये एक्सपर्ट है म्यूजिक में। रे दो होता है, जानते हो क्या क्या होता है? थोड़ा गाके सुनाओ। ये थी ब्रह्मा माँ कोमल था हाँ कोमल नहीं। यहां पर बेटा चुके क्योंकि ये जो सात स्वर हैं शुद्ध स्वर, उसके अलावा जो बाकी अलग सा स्वर होते हैं उसका भी ज्ञान या फिर पहचान होना जरूरी होता है, तब जाकर ये जो पूरे वर्ड का जितना भी म्यूजिक रहे बारह स्वर के ऊपर होता है। तो आज से एक बात ध्यान में रखो, सात है मेन स्वर और उसके साथ अगर कोमल स्वर को भी और तीव्र एक स्वर होता है जो मां होता है सिर्फ, उसको अगर ऐड किया जाए तो टोटल बारह स्वर होते हैं। इस बारह स्वर के ऊपर बेस करके सब गाना पूरे वर्ल्ड में जितना भी बनता है सब इसी बेस पे होता है। अब एक मैं गाना बजा रहा हूं जिनको सबसे पहले पता लगेगा वो हाथ उठाना, ठीक है? ठीक है ना? गाओ। वेरी गुड। कैसे पता चला? स्वर से। इसमें क्या क्या स्वर लगे हैं एक कोई बता सकते हो? यही है म्यूजिक जो तुमको बतलाता है इस गाने में क्या क्या स्वर है। संगीत का अगर भाषा में इसको बोले तो क्या क्या स्वर लगे? का रे सा रे नी सा सा, इसको पहचानना क्या समझे? ये जो गा बोल रहा हूं ये कोमल गा है, इसको भी पहचानना पड़ेगा। का रे सा रे नी सा सा। नेक्स्ट लाइन शुद्ध गा मागा गा रे मागा रे सा गा रे सा रे नी सा सा, तब जाके ये दो लाइन बनता है, ठीक है?
है, आप लोग धूप में क्यों हैं? छावा देख कर आइए प्लीज। तो संगीत का ये रूल है, गाना समझ जाते हैं बहुत सारे लोग। जैसे कि मैं गाना गा रहा बजा रहा हूं, देखो किनको समझ में आ रहा है, जिनको समझ में आएगा मैं हाथ कह रहा हूं। फिल्म सॉन्ग है, अरिजीत सिंह का गाया हुआ। आप लोग उतना शायद बड़े नहीं हुए हो, शायद वो उनका नहीं सुना है। तो ये बहुत फेमस पॉपुलर गाना है। तो ये सब रिकॉग्नाइज करने के लिए सुर को पहचानना और समझना बहुत जरूरी होता है। दो चार लाइन मतलब रागों में कैसे कैसे फ्रेज बनता है, मतलब कैसे मूवमेंट्स होते हैं, कौन कौन से स्वर पे इसमें ठहराव है और कैसे ये राग एक बन के इसका एक कंप्लीट चेहरा निकल के आता है।
Sir, can you tell us any one difficulty that you face in a journey to become a musician? So many difficulties there. Actually, every journey of life better. Difficulties were forever there. The most important part of difficulties is to know properly and involved deeply with raga. One raga means one ocean, and we are regular trying to go deep inside, and that's the most difficult thing in our music. And I think till my last day of life, I have to try. Any questions anymore? Sir, what is your opinion about Pratap Vidya Mandir School, and how did you know about it? I, honestly speaking, your school, when I saw this school, it's an amazing, great, looking from outside visitor. And also, when I saw this, you people, you are so cute, so beautiful, amazing badges. I must say, both of you, every student, are really very, very, very good. Exceptional. The management, teachers, principal, everyone, it's amazing. You are so beautiful, so pure. No particular one person behind this circle. Okay. Sir, who is your guru? My first guru, my parents, my father and mother. Second, my guru, Padma Bhushan, late Pandit Mudaliar Das Mukherjee. And then Pandit Padma Bhushan Pandit Ajay Chakravarti. So these are my guru. Otherwise, I try to learn from everyone. So they are also my guru, indirectly, not directly. But everyone, every musician, almost my guru, you can say this. I can't understand. Means, are you from rural or urban area? Oh, normal. I think my city, Vardhaman, was a normal city. No urban, rural. It's very simple. Like your place, almost. You can say Vardhaman and this place, almost the same. Yes. Sir, what is your opinion to students like us? Opinion? What should I say?
think, we'll sit up. I think, इस उम्र में जो होना चाहिए सब बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा की तरफ ध्यान देना है, पढ़ाई में, म्यूजिक में, खेल कूद में, सब में इंटरेस्ट हो या ना हो पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या पता कि आज आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, बाद में आ जाए। ऐसा भी हो सकता है आपको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आ जाए। सो ट्राई टू पार्टिसिपेट इन एवरी सब्जेक्ट एंड अपन लगन से ये आगे जाने की कोशिश करो। फिर जैसे जैसे एज बढ़ेगा उस हिसाब से आप अपने आप को मतलब नाश नहीं लोगे। What's your advice to all the students like us? Just tell me, I have never heard. पहले अपना पढ़ाई, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, उसमें ध्यान मतलब मन लगे या ना लगे करते रहो। बाद में देखना इसका बेनिफिट तुमको मिलेगा। स्पोर्ट्स तुमको फिजिकली तुमको सही रखेगा, म्यूजिक तुमको मेंटली तुमको पीस देगा और पढ़ाई तुमको हर विषय में ज्ञान देगा। वो प्रैक्टिकल हो या फिर थियोरेटिकल हो, जो भी हो उसमें तुमको नॉलेज मिलेगा। ये तीनों में लगेगा, फिर तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा चेंज ऑफ माइंड तुमको जिस दिशा में लेके जाना चाहेगा तो उसी दिशा में जा सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कोई तुम्हारे ऊपर कोई ठोस दे और तुमको वही जबरदस्त करना पड़ता, ऐसा नहीं। अपने मन से करो वो अच्छा होता है। जैसे मैंने अपना म्यूजिक चूज किया है, सिर्फ मेरी मम्मी पापा का पसंद नहीं था, मेरा भी पसंद था, तब जाके ना मैंने इसमें अपना पूरा सब कुछ दे दिया। थैंक यू। Sir, what difference would you like to create through your music? Difference? I didn't thought. Actually, जितना भी है म्यूजिक में वही मैं बहुत कम जान चुका हूँ, जान पाया। There's lots of things to know. So, पहले उसको अचीव करने की कोशिश तो कर लूँ इस जिंदगी में, फिर दूसरे जन्म में मैं कोशिश करूँगा उसको आगे जाने की। Sit down with that. जाने से पहले और एक छोटा सा पीस बजा रहा हूं जिनको पहले पता चलेगा हाथ उठाना और तुरंत गाना शुरू कर देना, ठीक है? Thank you.
जानते हो? ये एक राग के ऊपर बेस्ड है। कौन सा राग है जानते हो? बता के जाता हूं, याद रखना, ये राग का नाम है देश। देश